दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष खनिज संसाधन में अगले वीडियो को लेकर हाजिर हूं। देखिए हम लोग कवर कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमारा 303 नंबर का लेक्चर है। ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही वो आपके ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, और ज्योग्राफी में हम लोग विश्व के भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 90 सवाल आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। जो मैंने टॉपिक चूज किया इसके पहले खनिज संसाधन पर हम लोगों ने चर्चा किया था, और आज खनिज संसाधन के अंतर्गत लोहे और तांबे से संबंधित दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले। कई सवाल आपके स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे कि विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष भंडारक देश कौन से हैं, शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर अन्य किसी देश में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इन सभी देशों में दोस्तों कौन से लौह अयस्क क्षेत्र हैं, भारत में दोस्तों कौन सा, भारत के बारे में तो हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से तांबे की प्राप्ति जो है किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तांबे के उत्पादन में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान रखता है, तृतीय, या क्यूपराइट के बारे में सुना होगा, क्यूपराइट में किस रूप में दोस्तों तांबा पाया जाता है। ठीक है, इस तरह के तमाम सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप समय देंगे तो मैं आपको अच्छे से सिखा और समझा पाऊंगा। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन कोर्स अलग अलग विषय के लिए हैं, एक बार आप जुड़िए। देखिए ये जो क्लास दे रहे हैं हम आपको, ये फाउंडेशन कोर्स का 10-15% है। पूरा पूरा पिक्चर है फाउंडेशन क्लास, ये ट्रेलर चल रहा है जो आपको मैं आज दे रहा हूँ, ये ट्रेलर है। तो आप आइए एक बार विजिट कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन करके देखिए। अब मैं आपके सामने दोस्तों मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स बनाया हूँ, आप एक बार पढ़ के देखो, ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी, ये मजाक की बात नहीं है। ठीक है, सीरियस होकर बता रहा हूँ दोस्तों, 999 का कोर्स है, 1000 रुपये हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं बताऊँ जितनी मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको सिखाऊंगा ना, जो जो चीज़ें बताऊंगा आपको लगेगा पैसे से इसकी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, तो आप आइए एक बार ज्वाइन कीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि नदी के तलहटी में मिलने वाला जो खनिज जमाव होता है उसे क्या कहा जाता है। ये हम मुझे कल ही पढ़ा देना चाहिए था, बट ये कल मेरे दिमाग में आया नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों प्लासर निक्षेप। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं प्लासर निक्षेप। ठीक है, याद रखेंगे किसे कहते हैं, नदी के तलहटी में जो खनिज जमाव पाया जाता है। तलहटी मतलब समझ रहे हैं ना, नदी का जैसे पर्वत का तलहटी हिस्सा, इसका मतलब होता है पर्वत का जो पैर होता है, पाद। ठीक है, उसी तरह से नदी का तलहटी होता है, तो वहां पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? प्लासर निक्षेप पाए जाते हैं। जो खनिज जमाव होता है उस खनिज जमाव को ही क्या कहा जाता है? प्लासर निक्षेप कहा जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि लौह अयस्क के किस प्रकार को लौह कार्बोनेट कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस? देखिए अब इसके लिए पता होना चाहिए कि सर लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे को प्रकार नहीं पता होगा वो और भीतर जाके जवाब कैसे देगा। तो जैसे लौह अयस्क में सबसे अच्छा प्रकार क्या दोस्तों? मैग्नेटाइट। ठीक है, कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरा कौन है? हेमेटाइट। ठीक है, ये कई बार दोस्तों ये सारे तत्व बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखें। ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया। ठीक है, लिमोनाइट तीन प्रकार हो गया, और जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है? सीडेराइट। ठीक है, देखिए आपको मुझे पता है आपको कोयले की याद आ रही, किसकी याद आ रही है? कोयले की याद आ रही है, वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट कोयला, ये सब याद आ रहा है, लिग्नाइट यही याद आ रहा है ना। वो दोस्तों कोयले के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट कोयला, और चौथे नंबर पर होता है पीट कोयला। ठीक है, वो कोयले का प्रकार था। यहां पे जो मैंने बताया ये लौह अयस्क का प्रकार है। कौन कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट, सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है दोस्तों लिमोनाइट, और चौथा है सीडेराइट। अच्छा, किसे दोस्तों लौह कार्बोनेट कहते हैं? तो सीडेराइट को दोस्तों लौह कार्बोनेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये जो अंतिम वाला सीडेराइट है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे लौह कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ये तथ्य दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि लौह अयस्क का कौन सा प्रकार औषधीय शैलों में प्राप्त किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो लोहा पढ़ने वाले, एक तांबा पढ़ने वाले। कहां लिखूं? यहां लिख दूं? ठीक है, एक लोहा पढ़ने वाले, एक तांबा पढ़ने वाले। जो तांबा है दोस्तों, याद रखेगा तांबा जो है ये आग्नेय
आग्नेय चट्टानों के भीतर प्राप्त होता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों के भीतर। जबकि जो लोहा है दोस्तों, ठीक है, जो लौह अयस्क है, जो लौह अयस्क है, यह किस प्रकार की चट्टानों के भीतर प्राप्त होता है दोस्तों? यह औषधि चट्टानों के भीतर प्राप्त होता है। और कौन सा वाला दोस्तों, लौह अयस्क में कौन सा वाला? तो यहां पर दो याद रखेगा, एक तो लिमोनाइट याद रखेगा, एक तो लिमोनाइट याद रखेगा, दूसरा दोस्तों सीडेराइट याद रखेगा, ठीक है। लिमोनाइट और सीडेराइट टाइप का जो लौह अयस्क है दोस्तों, ये कहां प्राप्त होता है? ये औषधि शैलों में दोस्तों प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। सब टाइप वाला है, मैग्नेटाइट नहीं मिलता है यहां पर, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है, ठीक है, आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष भंडारक देश कौन से? भंडारक मतलब कौन होता है दोस्तों? वह देश बताना आपको जिसके पास लोहे का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों टॉप पे कौन आता है लोहे में? अब लोहा लेने की बात आती है तो हमेशा लोग चीन पता नहीं क्यों याद कर लेते हैं। देखिए चीन न कीजिएगा, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोहा ऑस्ट्रेलिया के पास है, और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दक्षिण में सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से लोहा नहीं लेना है, और ऑस्ट्रेलिया जो है स्टोरेज में भी नंबर वन पर है और उत्पादन में भी नंबर वन पर है, ये आप याद रखेंगे। तो नंबर वन पर दोस्तों कौन सा देश है याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या दोस्तों? अच्छा, हो सकता है परीक्षा में नंबर वन ना पूछ करके दूसरा या तीसरा भी पूछ सकता है, तो दूसरा पूछेगा तो दूसरे नंबर पे याद रखेंगे ब्राजील देश है, ब्राजील। और तीसरे नंबर पे दोस्तों रूस है, कौन है? रूस। ये मैं बता रहा हूं स्टोरेज के मामले में, और किस चीज का स्टोरेज दोस्तों? तो लौह अयस्क के स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश कौन से, यानी लौह अयस्क का प्रोडक्शन करने में दोस्तों, ठीक है, हो सकता है कि ऐसे देश हों जिनके पास स्टोरेज ज्यादा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्शन भी खूब ज्यादा करेंगे, उत्पादन भी ज्यादा करेंगे। भाई देखिए लौह अयस्क दोस्तों आपको खान में मिलेगा, लेकिन निकालने की कैपेसिटी भी होना चाहिए, तो उस कैपेसिटी में भी दोस्तों याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया यहां भी दोस्तों नंबर एक पर रहेगा, और दूसरे नंबर पर दोस्तों यहां कौन आ जाता है? चीन। चीन के पास देखिए स्टोरेज ज्यादा नहीं, लेकिन उत्पादन खूब किए पड़ा है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो देश है दोस्तों वो ब्राजील है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील, कोई दिक्कत आपको? ये मैं उत्पादन में बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि यांत्रिक सभ्यता की धुरी की उपमा दोस्तों किसे दिया गया है, ठीक है। यांत्रिक सभ्यता की धुरी दोस्तों किसे कहा गया है? तो यह उपमा, यह नाम किसे दिया गया है? लौह को। किसे ना दिया गया है? जो लौह खनिज होते हैं या जो लौह अयस्क होते हैं, इसे दोस्तों नाम दिया गया, क्योंकि अगर ये लौह अयस्क वगैरह की खोज नहीं होती तो कैसे दुनिया चलती? आप कल्पना करो, आप एक बार सोचो कि लोहा है ही नहीं, लोहे के बगैर आपका जीवन क्या है? हाँ, एक टेबल कुर्सी ढंग की नसीब नहीं होगी, दीवार में आप एक कील तक नहीं गाड़ सकते। आप अपने अगल बगल एक बार झांक के देखो, हर जगह लोहा। ये लोहा शुरू में नहीं था, ठीक है। सबसे पहले लोग दोस्तों तांबे का यूज करते थे, तांबा, काशा। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है, कांस्युगीन सभ्यता। वहां पर दोस्तों लोहे नहीं थे। लोहे कब से मिलते हैं? तो कहा जाता है लोहे का जो पहली बार प्रयोग मिला है वो मिला दोस्तों उत्तर वैदिक काल के दौरान, 900 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, 900 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 900 साल पहले दोस्तों ये लोहे के प्रमाण मिले। भारत की बात करेंगे तो अतरंजी खेड़ा वगैरह मिलेगा, एटा वगैरह मिलेगा, हस्तिनापुर, ठीक है, वहां से दोस्तों लोहे के पर्याप्त जो है प्रमाण मिले। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें तो एंशियंट में पढ़ाया गया होगा, आपको नहीं पढ़े तो एक बार जाके देखिए, तो ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है। तो यांत्रिक सभ्यता की धुरी की उपमा किसे दिया जाता है याद रखेंगे? लौह अयस्क या लौह खनिज को दिया जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि लौह अयस्क हेतु फ्रांस में दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, कहां पर दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों कहां पर है? फ्रांस की राजधानी कहां दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। और पेरिस में दोस्तों क्या है? एफिल टावर है। क्या दोस्तों? एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर। इसी एफिल टावर के पास में दोस्तों क्या है? सीन नदी। पूछा था है परीक्षा में कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो बताइएगा सीन नदी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रांस में कौन सा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो लॉरेन याद रखिएगा, उसका नाम क्या दोस्तों? इस लौह अयस्क क्षेत्र का नाम है लॉरेन, ठीक है, लॉरेन याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस में स्थित है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिवाए राग के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? क्रिवाए
क्रिवाए रॉक के बारे में बताया था। ये क्रिवाए रॉक कहाँ पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे यूक्रेन में पड़ता है, और यूक्रेन की राजधानी कहाँ दोस्तों, क्यू राजधानी है, ठीक है। फिलहाल इसे आप याद रखेंगे क्रिवाए रॉक, ठीक है। ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, और ये लॉरेन याद रखिएगा। एक और आप याद रखिए दोस्तों, कनाडा में है, कनाडा में है सफरविल, ठीक है। पूछता है परीक्षा में सफरविल, सफरविल का भी संबंध दोस्तों किससे है, यह भी एक लौह अयस्क की खान है, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, यह कनाडा में स्थित है, कनाडा यानी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों एक देश है कनाडा। राजधानी कहां, ओटावा। सबकी राजधानी लिख ही रहे हैं तो इसकी भी लिख लीजिए, ठीक है। ओटावा दोस्तों राजधानी है, ये आप याद रखेंगे। बात समझ में आ गई ना। अभी के लिए दोस्तों आपको लॉरेन याद रखना है, ये एकदम क्लियर कट ढंग से आप याद रखिए। अगला सवाल है कि शीशे का किस उद्योग में सर्वाधिक यूज होता है। ये मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, मैंने इस सवाल को नहीं पढ़ा था। आज जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैं लगा सोचने कि कहीं गलत तो नहीं है। बाद में पता चला कि शीशे का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, ये लौह खनिज के जो लौह उद्योग से संबंधित चीजें दोस्तों, वहां पर शीशे का सबसे ज्यादा यूज होता है। और उससे संबंधित क्या कह सकते हैं आप, यहाँ लौह इस्पात कह सकते हैं, ठीक है। जो लौह इस्पात कारखाने वगैरह हैं, ठीक है, वहां पर दोस्तों शीशे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ये सोचने वाली बात है ना, ठीक है। लेकिन अब होता है तो होता है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल भी मिल गया, अच्छा सवाल मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, ठीक है, लोहे को जंगरोधी मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि लोहे पर जंग ना लगे, उसके लिए दोस्तों किस खनिज का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यसद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यसद मतलब क्या होता है, यसद का मतलब होता है जस्ता, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन। यदि दोस्तों जस्ते का लेप लगा दिया जाए, ठीक है, तो दोस्तों लोहे पर कभी जंग नहीं लगता है। ये क्वालिटी होती है दोस्तों जस्ता की। ये तथ्य दोस्तों आपको याद रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। लोहे पर यदि जस्ते का लेप लगा दिया जाए तब दोस्तों लोहे पर कभी जंग नहीं लगता। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यसद लेपन, ठीक है, यसद लेपन कहते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है बोमी पहाड़ी क्षेत्र किस देश में स्थित है। क्या दोस्तों, बोमी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। बोमी पहाड़ी क्षेत्र जो है ये किस देश में स्थित है, लौह अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। बोमी पहाड़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बोमी पहाड़ी स्थित है लाइबेरिया में, ठीक है। एक एक सवाल आपके लिए रहेगा, लाइबेरिया की राजधानी बताइए। लाइबेरिया, साइबेरिया मत लिखिएगा, ठीक है। जगह का नाम क्या दोस्तों, बोमी पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये लाइबेरिया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। एक सवाल और लिखिएगा, नोट करिएगा। एक सवाल आता है बर्मिंघम क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, बर्मिंघम, बर्मिंघम क्षेत्र। अब दिक्कत क्या होती है ना, बर्मिंघम एक स्थान का नाम है, वो स्थान दोस्तों यूके में है, तो बच्चा सोचता है ब्रिटेन में, इसका जवाब ब्रिटेन कर देता है। लेकिन दोस्तों ये ब्रिटेन ना करिएगा, ये वाला जो बर्मिंघम क्षेत्र है ये कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, कनाडा में स्थित है। यह जो स्थान दोस्तों यह भी लौह अयस्क का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। और कनाडा में, कनाडा क्या अमेरिका लिख लीजिए, ठीक है, दोनों बॉर्डर पे है ना, तो कभी कभी दोस्तों उतर जाता है, ठीक है। अमेरिका भी लिखिए और बर्मिंघम लिखिए दोस्तों। एक जगह है अल्बामा, कौन सा जगह दोस्तों, अल्बामा, ठीक है। ये अल्बामा जो स्थान है दोस्तों, स्थान का नाम है अल्बामा, ये अल्बामा में ही दोस्तों बर्मिंघम क्षेत्र है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेगा, क्योंकि मुझे पता है जब परीक्षा में कभी ये सवाल आएगा ना तो लोग यही सोचकर गलती करेंगे। मैं तो आपको बता दिया कि आप गलती ना कीजिएगा। अगला सवाल कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन से। और अभी आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया को दो चीजों के लिए आपने जाना, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को दो चीजों को ले जाना। एक तो दोस्तों जाना सर्वाधिक भंडार, लौह अयस्क का दोस्तों सर्वाधिक भंडार किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर है। दूसरा दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन, दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो उत्पादन में भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर, ये पढ़ा। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी खान है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखेंगे कई खानों का नाम लिखिए। एक खान है दोस्तों यहाँ पर पीलबारा, क्या याद रखेंगे, सवाल आता है कि पीलबारा लौह अयस्क की खदान कहाँ पर है। दूसरा पूछता है दोस्तों हेम्सले, क्या पूछता है दोस्तों, हेम्सले, हेम्सले जो खान है दोस्तों, हेम्सले खान, ये सब खान का नाम बता रहा हूँ, हेम्सले खान के बारे में पूछता है। स्थान वाइज दोस्तों पूछता है तो सिडनी वगैरह पूछ लेता है, सिडनी, ठीक है, सिडनी के बारे में पूछ लेता है कि सिडनी में भी पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। एक यहीं पर दोस्तों और स्थान लिखेगा, मिडिल बैंक रेंज, क्या लिखेगा, मिडिल बैंक, मिडिल बैंक रेंज, ठीक है। ये जो स्थान दोस्तों मिडिल बैंक रेंज, ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, और ये दोनों थे दोस्तों ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थे,
ये कहाँ थे? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में थे, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, और सिडनी भी याद रखेगा। ये सब के सब स्थान दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं। यहां पर दो क्षेत्र दोस्तों, एक क्षेत्र है उसका नाम है ट्रांसवाल, ठीक है, ठीक है, एक क्षेत्र है उसका, साफ सुथरा लिख लीजिए, एक क्षेत्र है उसका नाम है ट्रांसवाल, ठीक है, ट्रांसवाल, और दूसरा क्षेत्र है उसका नाम है नटाल, ठीक है, नटाल, ठीक है। ट्रांसवाल और नटाल दोस्तों ये कहाँ पड़ते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित क्षेत्र हैं, जहां पर क्या पाया जाता है, लौह अयस्क के ये प्रसिद्ध क्षेत्र माने जाते हैं, यहां से खूब उत्पादन होता है लौह अयस्क का, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। चलिए और आगे आते हैं, अगले सवाल को पढ़िए। अगला दे रहा दोस्तों, एक स्थान है किरुणा, एक स्थान है गैलीवेयर, ठीक है, तो आपको ये बताना दोस्तों कि जो किरुणा है, जो गैलीवेयर है, देखिए हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में, हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में, और ये पता लगा रहे दोस्तों कि दुनिया में लौह अयस्क क्षेत्र के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है। तो ये जो किरुणा है, जो गैलीवेयर है, ये सिर्फ आपको ये बताना है कि किस देश में स्थित है दोस्तों, तो ये स्वीडन देश में स्थित है, यूरोप के भीतर दोस्तों स्वीडन पड़ेगा। स्वीडन की राजधानी क्या भैया? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है याद रखेंगे, स्टॉकहोम राजधानी के, स्टॉकहोम, ठीक है। ये वही देश है दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार जहां से बढ़ता है, ठीक है, यहीं से क्या बांटा जाता है, नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है वो कहां के रहने वाले थे, वे स्वीडन के ही रहने वाले थे। 1896 में दोस्तों डायनामाइट के आविष्कार करने के बाद दोस्तों उनका देहांत हो जाता है, ठीक है, तो सब याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम था, स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम, और स्वीडन में ही दोस्तों एक किरुणा और गैलीवेयर वाला जो क्षेत्र है यह स्थित है, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, स्पेन के प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं? तो चलिए पहले सवाल बताइए, स्पेन की राजधानी कहां है दोस्तों? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है दोस्तों? स्पेन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मैड्रिड है, याद रखेंगे। अब बात आती है कि स्पेन में दोस्तों कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो क्या याद रखेंगे, बहुत फेमस है भैया, यहां पर स्थित है दोस्तों पिरेनीज, ठीक है, कौन सा स्थान दोस्तों, जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, दो चीज पूछता है, या तो पिरेनीज पूछता है, या तो दोस्तों एक शब्द हम बोलते हैं किसी कोई चीज खो जाता तो नहीं कहते हैं बिला गई, तो बिलाने से याद रखेगा बिलवाओ, कौन सी जगह दोस्तों, यहां पर एक स्थान है बिलवाओ, ठीक है, बिलवाओ, ठीक है, ये दो स्थान है दोस्तों जो स्पेन में स्थित है, इसको याद रखेगा। एक और सवाल पूछता है दोस्तों, बड़ा अच्छा सा नाम है, ठीक है, एक सवाल है मुसान जो लौह अयस्क का क्षेत्र है, ठीक है, मुसान जो लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये दोस्तों कहां पर है, तो याद रखेगा ये उत्तरी कोरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों मुसान? कहां पर स्थित है? ये उत्तरी कोरिया में स्थित है। एक आध बढ़ा के भी नोट कर लीजिए भाई, कुछ दिमाग में आ जा रहा तो बता दे रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। करा किस देश के नीपर नदी क्षेत्र में प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है दोस्तों? तो नीपर नदी क्षेत्र कहां है दोस्तों? ये आपके रूस में स्थित है, ठीक है। नीपर नदी क्षेत्र कहां पर दोस्तों? नीपर नदी, नाइजर की बात नहीं कर रहा, नाइजर, ठीक है, ये नीपर नदी क्षेत्र और ये रूस में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कल को पूछ दे, रूस में एक स्थान है दोस्तों मैग्नेट पर्वत। क्या दोस्तों? मैग्नेट पर्वत। इस मैग्नेट पर्वत के पास भी दोस्तों लौह अयस्क की खान है, तो यह भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कर्च अंतरी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कर्च अंतरी, ठीक है, कर्च अंतरी पूछ सकता है, तो यह सब याद रखेंगे। ये जो नीपर नदी क्षेत्र दोस्तों ये रूस में पड़ता है, एक स्थान है कुर्स्क। क्या नाम दोस्तों इसका? उसका नाम है कुर्स्क, ठीक है, ये नीपर नदी क्षेत्र इसी कुर्स्क में पड़ता है, और कुर्स्क कहां पर दोस्तों? ये रूस में पड़ता है, जहां पर क्या है, यहीं पर आपका स्थित है लौह अयस्क का क्षेत्र, तो ये आप तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग किताबें हम लोग लॉन्च करते हैं। देखिए हमारे पास पेड कोर्स भी है, किताब भी है, ये वो किताबें हैं जो परचेज करेंगे तो सीधा आपके घर जाएंगे, ठीक है, तो किताबें भी हमारे पास है, हमारे पास डिजिटल नोट्स भी है, हमारे पास ई बुक भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है, अनलिमिटेड दोस्तों क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट, बहुत कुछ है, आप एक बार विजिट कीजिए। आप सच में अगर पढ़ने के इच्छुक हैं ना, तो आपके लिए बहुत कुछ है, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई बात नहीं,
लेकिन आप आइए, ठीक है। कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप कुछ खरीदने स्टडी 91 पर आइए। आप किसी भी तरह की समस्या हो आपके पास कि सर हमको कुछ PDF चाहिए, हमको कुछ अच्छे नोट्स मिल जाएँ, सर पैसा नहीं फ्री में मिल जाए, सर पैसे वाले नोट, कुछ जो कुछ जानकारी चाहिए आपको सब मिलेगा। इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे सकते हैं कि सर हमको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हम कैसे अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आप कॉल करके पूछ लीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, आपको जवाब देगी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करें तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है, तांबा के लिए, ठीक है, तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध खान कौन सी है, तो याद रखिएगा चिक्वी कमाटा, चिक्वी चिक्वी का मा टा, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध खान है दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये चिली देश में स्थित है, ठीक है, चिली देश में स्थित है। और चिली कहाँ स्थित है दोस्तों, चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों, इसे याद रखेंगे, ठीक है। चिक्वी कमाटा बोलते हैं दोस्तों, ये तांबे के लिए दोस्तों सबसे प्रसिद्ध खान है। और एक चीज और याद रखेगा, सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है, वो चिली देश ही करता है, ठीक है। तो अभी आगे बताऊंगा आपको एक एक सवाल, जरा सुनते चलिए। अगला है, तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किस उद्योग में होता है, ये जो तांबा उत्पादन किया जाता है इसका यूज कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका मेन यूज दोस्तों दो जगह पर होता है, या तो दोस्तों विद्युत उपकरण बनाने में होता है, ये जितने भी विद्युत उपकरण बनते हैं, आप फैन ले लो, कूलर ले लो, एसी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर दोस्तों कॉपर बाइंडिंग होती है ना, उसके लिए दोस्तों यूज होता है इस तांबे का। दूसरा होता है बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, बर्तन उद्योग में भी दोस्तों इसका खूब यूज किया जाता है। तो ये अब तांबे के संदर्भ में आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा तांबे की प्राप्ति किस चट्टान से होती है दोस्तों, तो मैं शुरू में ही आपको बता दिया था कि तांबे की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, किससे होती है, आग्नेय आग्नेय चट्टान से दोस्तों किसकी प्राप्ति होती है, ये तांबे की प्राप्ति होती है। ये मैंने दोस्तों आपको शुरू में ही बता दिया था जब मैं आपको लोहे के बारे में बता रहा था, ठीक है, जब सीडेराइट के बारे में बता रहा था कि सीडेराइट किससे प्राप्त होता है, या औषधीय चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि तांबे को किस धातु से मिश्रित करने पर दोस्तों कांसा प्राप्त होता है। देखिए आप तो जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कभी सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कार्बन 14 दोस्तों मेथड है। कार्बन 14 मेथड के द्वारा पता किया गया तो पता चला कि 2550 ईसा पूर्व से लेकर के 1550 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है पनपी थी, आप याद रखेंगे। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ के लोग दोस्तों कांसा बनाना जानते थे, और तांबे में दोस्तों क्या मिलाते थे कि कांसा बन जाए, तो तांबे में टीन मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तांबे में टीन मिलाया जाता है, और टीन से दोस्तों क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़ करता है। कल मैंने स्टोरी भी अच्छा खासा सुनाया था, आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा तांबे को किस धातु के साथ मिलाकर पीतल तैयार किया जाता है। तो अभी 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 दोस्तों यहां पर फिर से नोट करिए कि तांबे को, जो तांबा है दोस्तों, तांबे में, तांबा लिखिए ऐसे साफ सुथरा, ठीक है, कि तांबा में ऐसा, अभी पीछे क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा कि तांबा में तांबा प्लस टीन को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर कांसा बन जाता है, ये दोस्तों आपने पढ़ा। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए तांबा में क्या मिला जाए कि पीतल प्राप्त हो जाए, ठीक है, पीतल को अगर प्राप्त करना है तो तांबे में क्या मिलाना होगा, जस्ता मिलाना होगा। ये वही जस्ता है दोस्तों जिससे लोहे को जंग लगने से रोका जाता है, यसद लेपन ना, तो तांबे में यदि जस्ता मिला देंगे तो क्या बनेगा, पीतल बन जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, पीतल बन जाएगा। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां जवाब हो जाएगा जस्ता, क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ता। जस्ता को क्या कहा जाता है, इसी को यसद कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत में जस्ता को क्या कहते हैं, यसद भी कहते हैं, तो याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा तांबा उत्पादन के मामले में कौन सा देश आत्मनिर्भर है, ठीक है, देखिए सर्वाधिक की बात नहीं कर रहा है, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक तांबा उत्पादन, क्या पूछे, आपसे पूछे कि सर्वाधिक तांबा उत्पादन दोस्तों देश कौन सा है, तो पीछे दोस्तों आपने चिली का नाम पढ़ा था ना, चिली, ठीक है, चिली जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन वही करता है। लेकिन यहां कह रहा है दोस्तों कि कौन सा देश ऐसा है जो तांबा उत्पादन में आत्मनिर्भर है, उसे किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह देश है जापान।
कौन सा देश है दोस्तों? जापान देश है दोस्तों, जापान। जापान की राजधानी कहाँ भैया? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी कहाँ पर है? याद रखेंगे टोक्यो राजधानी है, ये या आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि क्यूपराइट में तांबा किस रूप में पाया जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों। तांबा जो है ना, ये प्रकृति में क्या है दोस्तों, प्रकृति में या मतलब जो हमारा नेचर है उसमें दोस्तों खनिजों के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? खनिजों के रूप में प्राप्त होता है। और उसी के अंतर्गत दोस्तों अगर क्यूपराइट की बात करें तो उसमें तांबा किस रूप में पाया जाता है? याद रखेंगे ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, क्यूपराइट में तांबा किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये आपका दोस्तों पहला तथ्य हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि किस खनिज में ये जो तांबा है ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो अभी हमने पहली लाइन क्या सीखा कि क्यूपराइट में किस रूप में मिलता है दोस्तों? क्यूपराइट ऐसे लिखा जाता है, पराइट नहीं होता, प्राइट होता है। ठीक है, क्यूपराइट में दोस्तों तांबा किस रूप में होता है? ऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, उसी तरह सवाल कर रहा है कि बताइए तांबा जो है कार्बोनेट के रूप में दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दो स्थानों पे, या तो दोस्तों एजुराइट में मिलता है, या तो एजुराइट में मिलता है, ठीक है, और या तो दोस्तों किसमें मिलता है? मैचेलाइट में। किसमें? एजुराइट और मैचेलाइट, काफी मिलते जुलते नाम है दोस्तों। ठीक है, ये जो है इसमें तांबा जो होता है कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, चलिए फिर से नोट करिए दोस्तों, दूसरे नंबर पर नोट करिएगा कि मैंने क्या क्या बताया दोस्तों। मैंने बताया एजुराइट 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 और किसमें? मैचेराइट। ठीक है, मैचेराइट। ठीक है, ये दो स्थानों पे जो तांबा होता है किस रूप में होता है? ये कार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? कार्बोनेट के रूप में होता है। ये ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, और यहाँ क्या दोस्तों? कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अब आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चेल्कोपाइराइट का नाम सुना होगा, और चेल्कोसाइट का नाम सुना होगा, और बोनाइट का नाम सुना होगा। इसमें जो तांबा होता है दोस्तों ये किस रूप में प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है सल्फाइड के रूप में। किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में। ठीक है, इसको आप याद रखें। कहां कहां पर? एक तो चेल्कोपाइराइट में, और दूसरा चेल्कोसाइट में, और आगे है बोनाइट में। ठीक है, इन तीन चीजों में दोस्तों तांबा किस रूप में पाया जाता है? तो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ये तीनों अपने आप में बड़े स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक है, जब कभी हाईफाई एग्जाम होता है ना, तो उस हाईफाई एग्जाम में दोस्तों इस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, परेशान ना होइए, खाली देखते चलिए आगे दोस्तों। विश्व में तांबे के शीर्ष भंडारक देश कौन से? भंडारक मतलब क्या? फिर जैसे सवाल आपने पीछे पढ़ा था दोस्तों, स्टोरेज बताना है। क्या बताना दोस्तों? यहां पर स्टोरेज बताना है। ठीक है, स्टोरेज बताना है। पीछे जो हमने पढ़ा दोस्तों लौ अयस्क के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? लौ अयस्क के बारे में पढ़ा था। और लौ अयस्क के बारे में क्या पढ़ा था दोस्तों कि लौ अयस्क में पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया का है। किसका बताया था? ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा स्थान किसका बताया था दोस्तों? याद रखेंगे ब्राजील का है। और तीसरा स्थान किसका बताया था? ये बताया था रूस का है। ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लेकिन किस वाले में पढ़ा था दोस्तों? ये पढ़ा था लौ अयस्क के लिए जब मैं पढ़ा था। तो अभी दोस्तों तांबे के लिए पूछ रहा है कि तांबे की स्टोरेज में दोस्तों नंबर वन पर कौन सा है? तो सर्वाधिक देखिए, तांबे के उत्पादन में चिली देश जाना जाता है। तो उत्पादन और भंडार दोनों चीज, भाई जो देश खूब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास स्टोरेज तो होगा ना, तभी तो कर रहा है। तो याद रखेंगे यहां पर चिली का पहला स्थान पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान पड़ता है, और चिली के पास में एक देश है पेरू देश है। ठीक है, इसका दोस्तों तीसरा स्थान पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों एक डिफिकल्ट सवाल ये बनाता है कि तांबे के उत्पादन की बात कर लेता है। उत्पादन यानी सीधे सीधे प्रोडक्शन की बात कर लिया कि बताइए कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों पहले आप याद रखिए, जब मैंने आपको लौ अयस्क के बारे में पढ़ाया, तो लौ अयस्क में दोस्तों पहला स्थान किसका था? प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान था। ठीक है, चीन का दोस्तों यहां पर क्या हो गया? दूसरा स्थान था। और ब्राजील का चला गया तीसरा स्थान। ठीक है, ये दोस्तों हम लोगों ने किस संदर्भ में बात किया? ये लौ अयस्क के संदर्भ में। अभी दोस्तों उत्पादन की बात कर रहा है। ठीक है, ये स्टोरेज की बात कर रहा था, यहां अभी उत्पादन की बात कर रहा है। तो पहला स्थान तो देखिए चिली देश का ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन तो चिली ही करता है। दूसरे पर नंबर पर यहां दोस्तों पेरू देश आ गया है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों यहां चीन आ गया है। प्रोडक्शन में चीन आ गया। हर चीज के प्रोडक्शन में दोस्तों आप देखेंगे ना, तो हमको लगता है टॉप फाइव में चीन तो है ही। चाहे आप सोना की बात कीजिए, चांदी की बात कीजिए, कोयला की बात कीजिए, लोहा की बात कीजिए,
तांबा की बात कीजिए, हर जगह दोस्तों आपको चीन मिलेगा ही मिलेगा। प्रोडक्शन में मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टोरेज उसके पास नहीं है लेकिन जितना है वो खत्म कर रहा है, ठीक है। उसको पता है कि अपना वाला यूज कर लेते हैं, बाद में दूसरे का छीन लेंगे, ठीक है, बाद में दूसरे का क्या करेंगे, छीन लेंगे। वो इसी रणनीति पर काम कर रहा होगा। अगला सवाल दे रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कहां पर दोस्तों स्पेशली अफ्रीका में कौन करता है, तो याद रखिएगा जाम्बिया देश करता है। कौन करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, जाम्बिया करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है, यहां पर क्या दोस्तों एक लंबी श्रृंखला है, किसकी दोस्तों, तांबे की श्रृंखला है, ठीक है, तांबे की पट्टी है जो इस जाम्बिया से लेकर के कहां तक फैली है, कटंगा तक फैली है। कहां तक दोस्तों, कटंगा तक फैली है। और कटंगा कहां पड़ता है दोस्तों, तो कटंगा पड़ता है कांगो में, ठीक है, कांगो गणराज का नाम सुना ना, वहीं पर दोस्तों कटंगा है, यहां तक फैला हुआ है। देखिए इतना ज्यादा दोस्तों इस देश के पास तांबा है, प्रोडक्शन भी खूब करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम्बिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, क्यों, प्रोडक्शन तो कर लेता है लेकिन समुद्र के किनारे नहीं है, ये अफ्रीका के बीच में स्थित है, ठीक है, और समुद्र ना होने की वजह से निकाल तो लेता है, बेच नहीं पाता है, किसी को निर्यात ही नहीं कर पाता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं नेपाल भूटान की बात करूं, अब नेपाल भूटान किसी चीज का एक्सपोर्ट जितना आसानी से भारत कर लेता है वो कैसे कर पाएंगे, उनका देश तो भू आबद्ध देश है, उसी तरह से बेचारा जाम्बिया का हालत है, ठीक है, तो प्रोडक्शन तो खूब कर लेता है लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इसकी आर्थिक स्थिति क्या है दोस्तों, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोस्तों बंदरगाह नहीं, क्या नहीं है दोस्तों, यहां पर बंदरगाह नहीं है, इसी वजह से दोस्तों खूब उत्पादन करने के बावजूद भी जाम्बिया हमेशा क्या रहता है, फेल ही रहता है। मेरी बात समझ में आ गई ना, देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए, तरीका सीखेंगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आराम से आप याद कर लेंगे। आगे दोस्तों, सान मैनुअल, बीघम और किवेना क्षेत्र, ये किस देश में स्थित है आपको केवल इतना बताना है, तो दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है, ये तीनों अमेरिका में स्थित है। अच्छा क्यों दोस्तों ये पॉपुलर है, अरे हम पढ़ क्या रहे हैं, ये दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए दोस्तों, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, और कहां स्थित है दोस्तों, अमेरिका में। सवाल एक और आ सकता है कि अमेरिका में कहां पर, ठीक है, जैसे सैन मैनुअल अमेरिका में कहां पर है, तो आपने एरिजोन का नाम सुना है, या एरिजोना या एरिजोन बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह दोस्तों उबाह का नाम सुना है, उबाह, ठीक है, ये दोस्तों जो बीघम है ये उबाह में पड़ता है, और किवेना क्यों नहीं, क्यों तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी जो किवेना है दोस्तों, ठीक है, ये पड़ता है, झील है यार बड़ी अच्छी सी, कौन सी झील है वो, अरे जो पूरी तरह से अमेरिका में है, अरे सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन तो अमेरिका में, बाकी सुपीरियर और ये आपका ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये दोस्तों अमेरिका कनाडा की सीमा पर है, ठीक है, तो याद रखेगा जो मिशिगन वाला क्षेत्र है ये मिशिगन वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पर है, जरा वो भी आप याद रखेंगे। आगे दे रहा दोस्तों सडबरी, सर सडबरी की जगह कैडबरी दे दिया होता मजा आ गया होता, कोई बात नहीं, सडबरी और ब्रिटेनिया, ये ब्रिटेनिया देखते ही बच्चा सोचेगा सर ब्रिटेन जवाब है क्या, यही सोचेगा ना ब्रिटेन, और ये जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ब्रिटेनिया जो क्षेत्र दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये भी आपके कनाडा में स्थित है, ठीक है, कनाडा में दोस्तों आपने कोलंबिया वाला जगह भी पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो कनाडा में स्थित है, इसको याद रखेगा, और ये कनाडा में कहां पड़ता है, तो ये सडबरी जो दोस्तों ये ओंटारियो क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, कहां पर है, यह ओंटारियो क्षेत्र में स्थित है, और ईमानदारी से बताऊंगा ये जो ब्रिटानिया क्षेत्र है ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है, याद अभी आ जाता है तो बता देता हूं, ब्रिटानिया क्षेत्र नहीं याद आ रहा, सही बताऊं, ठीक है, कुछ नंद करके नाम है, मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूं यार, कोई मशीन नहीं हो कि हर चीज याद हो जाए ना, याद आएगा तो भी एक्सप्लेन कर दे, बता देंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है, माउंट लायल, यहाँ लॉयल में लिखिए, ऐसे और कर दीजिए, करा माउंट लायल हो गया, माउंट ईसा हो गया, और टेनांट हो गया, ये जो क्षेत्र दोस्तों ये पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपने पढ़ा भी तो कि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों उत्पादन में चिली के बाद दूसरे नंबर पर आता है ना, ठीक है, उत्पादन भंडार में ना, भंडार में है, उत्पादन ना बोलिएगा, ठीक है, भंडार में, उत्पादन में नहीं है, उत्पादन में चीन आ गया है, भंडार में दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक कोबार क्षेत्र भी याद रखेगा, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है कोबार, कोबार जो है यह भी दोस्तों ताम्र उत्पादन के लिए जाना जाता है,
ताम्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पर दोस्तों, यह भी आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोबार क्षेत्र। ठीक है, तो कोबार भी याद रखेंगे, माउंट लायल याद रखेंगे, माउंट ईसा याद रखेंगे और माउंट टेनांट याद रखेंगे। ये सभी क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तांबा उत्पादन के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। ठीक है, आप आइए दोस्तों, ऐसे देखिए, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हस्तलिखित नोट से, इसको मैंने हाथ से तैयार किया है, ये हस्तलिखित नोट से आप इसे ले सकते हैं। इससे संबंधित वीडियोज़ भी मैं पहले बना के दिया था, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के अलावा दोस्तों डिजिटल नोट्स भी हमारे हैं और पेड कोर्स, एक बार नितिन सर के, मेरी अपनी जो पेड कोर्स है वो एक बार आप ज्वाइन करके देखें, फिर आप याद करेंगे कि सर क्या गजब की जो है तैयारी इस पेड कोर्स में कराई गई है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि नितिन सर कब कौन सी क्लास देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।